मैं तैयार हूँ मिलोड़। सीजीआई की फटकार के बाद गवर्नर का यू टर्न, मंत्री को शपथ दिलाने को राजी। खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बता दें, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच की फटकार के बाद तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया है। वह अब डीएमके नेता के पोन मुंडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने को तैयार हो गए हैं। बता दें, राज्यपाल रवि ने आज शुक्रवार को पोन मुंडी को शपथ दिलाने का न्योता भेजा है। अटर्नी जनरल आर वेंकटेरमणि ने आज सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर को बदलते रुख से अवगत कराया है। अटर्नी जनरल ने कहा कि राज्यपाल आर एन रवि ने पोन मुंडी को आज दोपहर 3:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। एक दिन पहले ही सीजीआई ने गवर्नर को इस बात के लिए फटकार लगाई थी और ताकीद किया था कि वह कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को पोन मुंडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल एन आर रवि के आचरण पर गंभीर चिंता जताई थी। शीर्ष अदालत ने राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री एन के स्टालिन की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल ने पोन मुंडी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कराने से इनकार कर दिया था। पोन मुंडी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी सिद्दी की 3 साल की सजा पर शीर्ष अदालत ने हाल ही में रोक लगा दी थी। पोन मुंडी को मंत्री बनाने से इनकार करते हुए राज्यपाल ने कहा था कि सजा पर रोक लगी है, केस से बरी नहीं हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोष सिद्धि के आदेश को गवर्नर चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा था कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोन मुंडी के दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी। पीठ ने अटर्नी जनरल से कहा, अटर्नी जनरल, हम राज्यपाल के आचरण को लेकर काफी चिंतित हैं। हम इस अदालत में सख्त लहजे में नहीं कहना चाहते, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें सलाह दी है, उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी। अब राज्यपाल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर रोक के बारे में सूचित करना होगा। आपको बता दें, पीठ ने अटर्नी जनरल से कहा था, अगर कल शुक्रवार तक राज्यपाल अपना पक्ष नहीं सुनाते तो हम उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करेंगे। सुनवाई की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि आजाद भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार कार्य करने से इनकार कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पोन मुंडी को मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश को स्वीकार करने से संबंध में राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध किया था। हिंदुस्तान की रिपोर्ट।